हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का वेलकम हो चुका है हमारे चैनल पे। और गाइस, आज की ये वाली वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जिनके जिनके पास पीसी है वो लो एंड पीसी है, और जिनके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है या फिर बहुत कम सिस्टम मतलब सिस्टम बहुत काफ़ी कमज़ोर है उनका पुराना सिस्टम है। तो गाइस, काफ़ी लोगों का मन करता है कि मैं भी अपने पीसी पे गेम खेल सकूँ, और लोग चाहते हैं कि मैं खेलूं, बट ये तो हमें तो पता ही है कि जो गेम्स होते हैं तो उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपका गेम वो अगर सिस्टम कंप्लीट नहीं करता उसको तो भी आपको नहीं खेल सकते, तो आप फिर आप क्या करोगे? आप जुगाड़ खोजोगे ये आप ये करो वो करो। तो गाइस दोस्तों, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला हूँ, आज एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ आपको बिना ग्राफिक्स कार्ड के गेम खेलने का। बस मैं आपको इतना कहूँगा कि आपके कम से कम 2 GB तो रैम होनी चाहिए आपके पीसी में, अगर उससे कम है तो फिर आपका गेम बहुत फंस सकता है। क्योंकि भले ही ये लो एंड पीसी के लिए, बट 1 GB रैम वाला पीसी बहुत लो हो गया, आप समझ रहे हो, बहुत लो हो गया। तो गाइस, यहाँ पे आपको हम लोग को क्या करना होता है, आपको रिफ्रेश कर लेना है अपने पीसी को 3-4 बार, और अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। मैं यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा रहा, तो पहले एक बार मैं साइन इन हो जाता हूँ, सॉरी मैं साइन आउट हो जाता हूँ, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा आपको इस मेथड को लेके। तो गाइस, यहाँ पे तो देख सकते हो कि मैंने आप अपना साइन आउट कर लिया है, और अब आप जो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना गाइस, यहाँ जो मैं अभी आपको सर्च करके दिखाने वाला हूँ वही आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च पर आना है, और आपको यहाँ पर सर्च करना होता है BlueStacks 5 ने सर्च करना गाइस, आपको सर्च करना है BlueStacks X। पहले आप पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद आप कोई भी चीज़ पर रिएक्ट करना। आप ये मत सोचना कि मैं आपको उसको डाउनलोड करवा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको BlueStacks X आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको आ जाना है इस पर। हाँ, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, प्ले ऑन क्लाउड और डाउनलोड BlueStacks। तो गाइस, आपको यहाँ पे प्ले ऑन क्लाउड को ओपन करना है। तो गाइस, क्लाउड गेमिंग एक सर्विस होता है जो एक कंपनी कोई प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप किसी भी ऐप को फ्री में खेल सकते हो अपने ब्राउज़र पे, उससे आपका पीसी से आपके रिक्वायरमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता। तो गाइस, ये आप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ थोड़े ही गेम हैं, यहाँ पे सारे गेम्स नहीं हैं, अभी सारे मतलब माइनक्राफ्ट GTA 5 सारे, तो अभी यहाँ पे कोई भी गेम्स नहीं है। जो छोटे मोटे गेम्स जो होते हैं वो बस यहाँ पर डाल रखे हैं, अब और वो भी गेम्स आएंगे, VGMI फ्री फायर भी आएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो एक्स अभी ये बीटा वर्जन में, यानी कि अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है, तो ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है फाइनली 100%। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको क्लिक करने देना है, यहाँ पे आपको लोनी ट्यून्स करके एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, मैंने गेम दिखाई देगा, आपको इस पर सिंपली आपको उसको क्लिक कर देना है प्ले ऑन क्लाउड पे, और टैप टू कंटिन्यू। मैं यहाँ पे ये आ जाता हूँ, यहाँ पे भी ऐड चल रहा है, तो मैं आपको मिलता हूँ ऐड के ख़त्म होने के बाद। तो गाइस, यहाँ पे ऐड्स ख़त्म हो चुकी है, बट मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है पहले से ही, तो आपको भी वहाँ पे एक साइन इन करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको गूगल वाले पे क्लिक करना है, आपको अपने अकाउंट साइन इन करना, ज़रूरी नहीं कि आपने उससे करो, आप किसी से अकाउंट से साइन इन कर सकते हो, काम हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ गेम ओपन होगा, आपको ये दिखाई देगा है देयर इज़ अ न्यू वर्जन अवेलेबल, डाउनलोड इट नाउ इन द स्टोर। तो आपके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है आपको। एक सेकंड, मैं साउंड कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब गाइस यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे आपको एक बैक का बटन दिखेगा, यहाँ पे बैक पे को क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पे बैक का दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ पे आपको सर्च करना होता है, मैं यहाँ पे कोई भी गेम कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं माइनक्राफ्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट पे करता हूँ, और ये आपका जो है सो ये पेड वर्जन है, इसलिए मैं आपको पेड मैंने नहीं दिखा सकता, मैं आपको ट्रायल वर्जन में आपको करके दिखाऊंगा। आपको ट्रायल पे क्लिक करना है इंस्टॉल पे, यही सेम प्रोसेस आप कॉल ऑफ ड्यूटी BGMI के साथ भी कर सकते हो, बट इसमें आपको की मैपिंग करनी पड़ सकती है। की मैपिंग होता है कि आप अपने कीबोर्ड से आप उसको खेलोगे। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये गेम बहुत बुरा था, बट मेरा जो नेट का स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, डाउनलोड इसलिए हो गया क्योंकि ये मतलब मैं आपको छोड़ूँ, मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। प्ले में आपको सिर्फ सिंपली क्लिक कर देना है, प्ले पे क्लिक करने के बाद आपका जो गेम है आपको लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखना, देखो गाइस, मैं साइन करने का मैंने कोई भी स्किप नहीं किया है वीडियो में,
आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्ले पे। देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ल्ड में एक बनाया था, पहले बनाया था। यहाँ मेरे को क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं तो देता हूँ WSED वगैरह वगैरह करके। इसको आप क्रिएटिव में हम इसको मतलब सेट नहीं कर सकते तो क्रिएटिव में, क्योंकि आपको मतलब आप ट्रायल में नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायल आपको करने के लिए आपको उसको ख़रीदना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो भाई यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा क्रिएटिव मतलब सर्वाइवर, मुझे ख़रीदना पड़ेगा इसको। मैं यहाँ इसमें कट कर देता हूँ सीधा। आप डिफ़िकल्टी सब कुछ कोई भी कर सकते हो, और आप इसे भी आप नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है माइनक्राफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आप सील पिकर भी जा सकते हो, आप सील भी नहीं कर सकते, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग नहीं कर सकते। तो गाइज आपको मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। और गाइज ये आपके जो नॉर्मल बकेट एडिशन होता है उससे काफ़ी जल्दी आपका ये लोडिंग हो जाएगी इसकी, तो मैं यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। और गाइज मेरी वीडियो को पूरा देखना, और यहाँ पे आप देखो बहुत फास्ट हो रहा है यहाँ पे, इसको होने देते हैं हम लोग। आप देखो गाइज यहाँ पे अब आपको बहुत ही मेन चीज़ करनी होगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ जाना है इस पे, है ना, आपको सेटिंग्स पे। यही सेम चीज़ अगर आपने माइनक्राफ्ट खरीद रखा है तो अभी आप कर सकते हो। अब आपको आना है, आपको आना है कीबोर्ड एंड माउस पे। कीबोर्ड एंड माउस पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको फुल गेम अभी आपका जो ऑफ होगा आपको क्लिक करना है, किस पे करना है, फुल गेम कीबोर्ड गेम प्ले पे। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाना है, और नहीं आपको यहाँ का काम हो चुका है। अब आपको आना है टच पे, टच पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है स्पिल्ट कंट्रोल्स पे, और स्पिल्ट कंट्रोल्स के बाद सब ठीक है। फिर आपको आने के बाद वीडियो में, और आपको एक बार आउटलाइन सिलेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको ऑन कर देना है आउटलाइन सिलेक्शन करके। और UI को आपको क्लासिक पे कर देना है, जिससे कि आपका बिल्कुल PC की तरह दिखने लगेगा। यहाँ से आपको बैक आना है, रिज्यूम करना है, और अब आप देख सकते हो ये प्लस का आइकन आ चुका है मेरे स्क्रीन पे, मतलब ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। और मैं यहाँ पे गैस W प्रेस कर रहा हूँ, आप देखना मेरा PC मेरा जो कर्सर है वो यहाँ नहीं होगा, फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखो गाइस, और मैं बिल्कुल करेक्टली आगे बढ़ पा रहा हूँ। और मैं चाहूँ तो मैं पेड़ को मैं तोड़ भी सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको आपको उसको कट कर देना है। और अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट वायल पे। और तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा है मेरे PC में। तो हो सकता है कि आपको वीडियो में थोड़ा मोड़ा लैग मतलब फंसता हुआ दिखे, बट गाइज रियल में वैसा है नहीं। वो सकता है कि कभी 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 होता है ना कि जब आप गेम खेलते हो ना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तब हो जाता है कभी कभी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये बिल्कुल सही चल रहा है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, खेल भी सकते हो। तो गाइज मैंने आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना बता दिया कि आप किस तरीके से अपनी PC के अंदर जो है किसी भी गेम को खेल सकते हो गाइज, बिल्कुल भी फ्री तरीके से। फ्री फायर हो, PUBG हो, कोई भी हो, आप उसको खेल सकते हो। अब मान लो कि आपको इस गेम को अगर आपको बंद करना है तो क्या करोगे, यहाँ पर अगर आपको आना होगा सेव एंड क्विट पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको जाना होगा बैक टू गेम, फिर से बैक टू गेम, ओके पे क्लिक करना है। आप चाहो तो इसको आप डिलीट कर दो, वरना आप ऐसे ही रहने दे सकते हो। मैं इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, बैक टू गेम, बैक टू गेम, अगेन बैक टू गेम, और वापस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तो गाइज ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था अपने किसी भी गेम को, एंड्रॉयड गेम को PC पे खेलने का। तो क्या है, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग को मेरी आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो गाइज आज के इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज अगर आप भी चाहते हो कि आप PUBG, फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे जो गेम्स होती हैं उनको आप बिना डाउनलोड किए खेल सको अपने प्ले स्टोर पे, बिना डाउनलोड किए हुए, एक नेट भी आपका यूज़ नहीं होगा। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना होगा कि नहीं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो गाइज हमारे आज की इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, थोड़ी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।